वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अमिता वशिष्ठ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी कि बचे हुए चावल को हम 2 मिनट में कैसे यूज में ला सकते हैं और जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, अब इसमें तेल डालेंगे, रिफाइंड या सरसों का तेल जो भी लाइक करते हैं वो यूज करिए या फिर देसी घी। इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा चटकने की आवाज आ रही है। अब इसमें प्याज डाल देंगे, हमने एक प्याज काट के रख लिया छोटा छोटा। फुल फ्लेम पे ही रखना है, इसको स्लो करने की जरूरत नहीं है, फुल पे ही इसको हल्का सा भूनेंगे। बस एक मिनट के लिए मान लीजिए, एक मिनट भी ज्यादा बता रही हूँ, 30 सेकेंड्स के लिए। मिर्ची डाल देंगे और नमक डाल देंगे, एक बार इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे राइस। बस और नहीं पकाना है इसको हमने। अब इसमें डाल दूंगी चावल जो बचे हुए हैं। चावल है, इन्हें थोड़ा खोल खोल के थोड़ा सा खोल लीजिए हाथों से ताकि मिक्स करना इन्हें इजी हो जाए। अब सारे चावल मिक्स कर दीजिए। देखिए सारे चावल डाल दिए हैं, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अच्छा है तो अभी लो कर दीजिए, अगर चावल नीचे चिपक रहे होंगे तो। चावल में कितना प्यारा कलर आया है, मैंने इसमें देगी मिर्च यूज की है, आप भी वही करिएगा, नहीं तो आपको बहुत तीखा लग सकता है और इतना अच्छा रंग भी नहीं आएगा। तो ये चावल बनके तैयार हैं, एक बार जरूर बना के खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ वीडियो खत्म। पहले मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करती हूँ। ये बनके तैयार हैं चावल, बचे हुए चावल को मैंने इस तरह से बनाया है कि आपको ये बहुत टेस्टी लगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।